4 बजे तक खोला रहेगा, पढ़ाई कैसे करेंगे, ये सो चिंता में है, तो लगे रहे हैं हम मोटिवेट करने के लिए। जो आसपास के लोग हैं, जैसा कि आपने बताया 500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए बच्चों को आप दोबारा स्कूल भेजिए, उनके स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं कीजिए, तो लोगों को आप कैसे समझाएंगे? लोगों यही समझ लोग तो खुद ही थे, रेस्क्यू में थे, वो सब जानते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई डरावना नहीं माइंड में लेने का और स्कूल आने का। जो पहले एक्सीडेंट के पहले तो सब खुशी खुशी से आ रहे थे स्कूल, क्योंकि हमारा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे। लेकिन अब स्कूल को आने के लिए स्टूडेंट्स खुद ही मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे, वो डेड बॉडी था, वो कोई स्पिरिट रहे है, इसीलिए बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। इसमें बड़ा हादसा हुआ है तो बच्चों में हुआ है। चाहते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि पूजा पाठ किया जाए या फिर ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यस, हम एक तो बड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए इस एरिया में, सारे एडमिनिस्ट्रेशन सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें कुछ हेल्प कीजिए और बच्चों को समझाइए, कुछ नहीं है, ये पाठशाला है, कुछ नहीं है, ये एक मंदिर भी है और कुछ नहीं है, यहाँ देवता है, सब आएंगे, कुछ नहीं है, बस हम तो एक स्थिति को हेल्प किया है, तो रिक्वेस्ट है सारे बच्चों, गार्डियंस सबको, वो आएंगे स्कूल, फिर से स्कूल आने के लिए हम ट्राई करेंगे और आपकी मीडिया के तरफ से वो न्यूज आएंगे जरूर। थैंक यू।